पंडित श्री श्री रविशंकर यांनी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवलचं आयोजन नेमकं कशासाठी केलं याबाबत हार्ट टू हार्ट या कार्यक्रमात झी 24 तासचे मुख्य संपादक डॉक्टर उदय निरगुडकर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मांडलेली ही भूमिका. वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवलचं आयोजन केलेलं आहे, काय मग या मागची आपली भूमिका आहे? देखिए, खेल के क्षेत्र में ओलंपिक्स है, उद्योग के क्षेत्र में इकोनॉमिक फोरम है, राजनीतिक क्षेत्र में सारे राजनेता यूएन के माध्यम से मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के नाम से मिलते हैं, मगर कलाकारों का ऐसा कुछ नहीं है. क्या बात. खास तौर से ट्रेडिशनल कलाकारों का, जो सांप्रदायिक ढंग से जो कला को पोषित करके रखे हैं, जनपद साहित्य इन सब का. तो हमने सोचा कि दुनिया भर के लोगों को यदि एक दाग पर हम दागे पर बांध सकते हैं तो वो कला है. इकट्ठे होएंगे वर्ल्ड कल्चरल विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के, वो एक 5 साल पहले बर्लिन में हुआ ऐसा काम, बहुत बढ़िया सा कार्यक्रम हुआ, और उससे 5 साल पूर्व बेंगलोर में हुआ था, जहाँ 3,800 कलाकार एक मंच पे गाए बजाए अपना साथ. अब कितने होंगे? अब करीब 20,000 लोगों का. 20,000? हाँ, 10,000 तो नर्तक होंगे और 10,000 के करीब. क्या ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा कलाकारों का सम्मेलन माना जाएगा? हाँ, ऐसा मान सकते हैं. यचनी काय हुई इसमें, क्या होगा? इसमें दो बात है. एक तो विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में दो बात होगी. एक तो दुनिया के कोने कोने से कलाकार आएंगे और अपना कला का प्रदर्शन करेंगे और समाज को एक संदेश देंगे. हम वसुधैव कुटुंबकम, जो पुरातन उद्गार है, इसको साकार रूप में हम देख पाएंगे वहां. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.